और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग। सर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ यू कैन गेट ए फ्री फोन जस्ट लाइक दिस वन व्हेन यू कम टू कनाडा। अब यार ये वीडियो बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं होने वाले। दिस इज सैमसंग S22 जो कि मुझे बिल्कुल फ्री मिला है। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो गॉट दिस सैमसंग क्रोमबुक, ठीक है। और मैंने अब तक अनबॉक्सिंग नहीं की है, आपके सामने करूंगा और आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी फ्री में कैसे मिलती हैं ये सब चीज़ें कनाडा में आके। सो वॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार वैसे तो मैं एन आईफोन यूज़र, बट मैंने सोचा भाई फ्री की आइटम मिल रही है तो क्यों ना भाई ले ली जाए। और अभी मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूँ ये फ़ोन अनबॉक्स। तो अभी तक भाई इसकी टेप वगैरह पूरी लगी हुई है, तो ब्रांड न्यू अभी आया है, ये मेरे घर पे डिलीवरी हुआ है और आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। मैं वैसे एक टाइम पर टेक्निकल चैनल भी था तो अनबॉक्सिंग मेरी हर हफ्ते चलती थी नए नए प्रोडक्ट्स की, बट अब ऐसा था कुछ नहीं है तो हम क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे बिना कोई ज़्यादा डिटेल्स बताए। ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, बाकी ये देख लीजिए फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया नया ताज़ा फ़ोन। ये फीलिंग अलग होती है जब पहली बार आप फ़ोन को हाथ में पकड़ते हो। अच्छा जी, तो ये यार S22 सैमसंग का, ठीक है जी। आईफोन से छोटा है साइज़ इसका, जो मेरे पास आईफोन है या फिर कवर की वजह से वो बड़ा लगता होगा। बाकी इसकी स्क्रीन आगे की मैं पील ऑफ करता हूँ। हाँ 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 ये पहली बार इतनी स्क्रीन साफ़ लगती है, उसके बाद तो कहीं लगती है साफ़ इतनी। तो पीछे का भी इसका मैं कवर सा हटा देता हूँ ताकि सैमसंग की ब्रांडिंग आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो यार ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, मुझे तो वही है ना, मतलब फ्री में मिल रही थी तो मैंने सोचा उठा ली जाए, वाई नॉट। और अभी मैं इसे पावर ऑन करके देखता हूँ अगर इसमें पावर है तो, क्योंकि ये कनाडा की सर्दियों में डिलीवर हुआ है तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और बाहर चल रहा है अबाउट -20 डिग्रीज, तो आई एम नॉट श्योर इसमें कितनी पावर है, नहीं है, क्या सीन है। तो कोशिश करता हूँ भाई पावर ऑन करने की। हो रहा है, सैमसंग लिखा गया है। मतलब एक टाइम पे था भाई मैंने सैमसंग S8 या S9 यूज़ किया था आई थिंक, उसके अलावा मैंने सैमसंग कभी ज़्यादा यूज़ किए नहीं, क्योंकि सैमसंग में क्या होता है भाई फ्लैगशिप डिवाइस है, जैसे कि एस सीरीज़ फ्लैगशिप है, इसके अलावा कोई भी लोगे सैमसंग है इट्स गोना बी कचरा, ठीक है। तो सैमसंग प्राइस आपको ज़्यादा ही देगा, बट एक्चुअली मैं सिर्फ सीरीज़ फ्लैगशिप वाली इनकी बढ़िया, और आईफोन के तो फ़ोन ही फ्लैगशिप होते हैं। तो डिवाइस सिस्टम मांग रहा है मेरे से भी आप सिम इंसर्ट करो, ठीक है जी। और वो मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि ये चीज़ें मैं बाद में सेटअप कर लूँगा, मुझे तो ये फ़ोन यूज़ भी नहीं करना, मैं तो इंडिया भेजूँगा फैमिली के पास। और बाकी डब्बे में यार वही जो सिम इजेक्टर टूल वगैरह आइटम्स आती हैं वो आई हैं, तो अभी इसको मैं साइड पर रखता हूँ। सैमसंग की क्रोमबुक भी पहले अनबॉक्स करता हूँ, दिखाता हूँ भाई ब्रांड न्यू आइटम, और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं कि मुझे फ्री मिली कैसे, ठीक है। तो यार जहाँ तक मैंने सुना है भाई क्रोमबुक इज़ नॉट दी बेस्ट लैपटॉप जो आप खरीदना चाहो, ये मतलब आपके घर पर बड़े बुजुर्गों या फिर बच्चे उनको दिया जा सकता है और बाकियों के लिए तो इतना काम का नहीं है, बट मेरे को फ्री मिला तो मैंने सोचा भाई ये भी इंडिया भेज देंगे, ठीक है। अभी पैक्ड है पूरा, निकालता हूँ बाहर, देखता हूँ भाई कैसी है इसकी फीलिंग। फीलिंग तो थोड़ी सस्ती वाली ही आनी चाहिए। ये है भाई, अब तो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है एक्सपोजर की वजह से। खोल के देखते हैं कितना साइज़ है इसका। तो ये कुछ ऐसा सा है, अब मेरे को नहीं पता भाई आपको कैमरे में कितना बड़ा लग रहा हो, इट इज़ फेयरली स्मॉल साइज़ और बिल्ड क्वालिटी भी बिल्कुल नॉर्मल सी है, कुछ खास नहीं है। तो इसको तो मैं पावर ऑन करके देखता हूँ, वही अगेन इसमें चार्ज है कि नहीं, बाकी लैपटॉप में चार्जिंग मुश्किल ही है इसकी, चेक करते हैं भाई चार्जिंग निकलती है कि नहीं निकलती है। लग नहीं रहा भाई इसमें अभी चार्जिंग है, इसे मुझे लगता है बाद में चार्ज करके मुझे फिगर आउट करना होगा। तो इसकी भी स्पेसिफिकेशंस मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही अगेन यू नो फ्री आइटम तो मैं क्यों जानना ज़रूरी समझूँ क्या है क्या नहीं है। तो बाकी यार इसे भी मैं साइड पर रख देता हूँ अभी के लिए। यार अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिवाइसेस मुझे एक्जैक्टली फ्री में मिले कैसे। तो आप लोग जब कनाडा आते हो या फिर कनाडा के रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा भाई कनाडा में $0 पे फ़ोन मिलते हैं, बट वो एक्चुअली $0 डाउन पेमेंट होती है, उसकी EMI स्टिल जारी होती है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई EMI नहीं है। तो मैंने एक्जैक्टली ये सब चीज़ें की कैसे। अब सिंस दीज आर सैमसंग प्रोडक्ट्स तो मैं या तो सीधे सैमसंग स्टोर में जाके रिटेल प्राइस पे खरीद सकता था, जो कि S22 की कॉस्ट बनती है अराउंड $1000 और क्रोमबुक की बनती है अराउंड $400। तो मैंने ये चीज़ें नहीं की क्योंकि मुझे आइटम चाहिए थे फ्री में। तो फिर उसके बाद आए थे दूसरा ऑप्शन जो कि लोग काफ़ी करते हैं, वो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन अप कर लेना कि अगले 2 साल या 3 साल हम आपके साथ ही जुड़े रहेंगे, इस प्लान पे आप हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे फ़ोन दे दें, ठीक है जी। अब वो फ़ोन $20, $30 भी हो सकता है मंथ, वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस इसलिए हो जाता है कि अगर आप सीधे खरीदने जाओ तो मान लीजिए कि $50 मंथ EMI बनती है तो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर आपको देगा $25 मंथ, जो कि लोगों को बड़ी ऑप्शन लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में और कई बार होता भी है, बट मैंने वो भी नहीं की क्योंकि मुझे एब्सोल्युटली $0 मंथ पे चाहिए थी चीज़ें। तो मैंने जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे अपनाया वो है कि आप मार्केट में जाएं, थोड़े और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, कुछ कंपनीज आपको मिल जाएंगे जैसे कि रेड वायरलेस, इंस्पायर वायरलेस, SEC कंपनीज जो कि इन सब नेटवर्क प्रोवाइडर्स लाइक रॉजर्स, बेल, इन सब के ऑथोराइज डीलर होते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि मतलब वो लोग
रॉजर्स या फिर बेल के आपको प्लान्स बेच सकते हैं उनसे भी सस्ते प्राइस में। मतलब कि अगर आप रॉजर्स के स्टोर में नॉर्मली जाएंगे वहाँ पे आपको जो कॉस्ट मिलेगी उसके मुकाबले इनके थ्रू लेंगे तो ज़्यादा सस्ती मिलेंगी। प्रोडक्ट सर्विसेज रॉजर्स की ही रहने वाली है, तो जो कि मैंने किया अपने केस में क्योंकि आई एम अ रॉजर्स कस्टमर। तो यहाँ पे मैंने जिस कंपनी से किया हुआ है इंस्पायर वायरलेस, तो उनके वहाँ पे क्या होता है भाई सीन कि आपके मान लीजिए आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी उनके साथ टाई अप है तो आपका एक्सक्लूसिव प्लान मिल जाएगा, या फिर आपकी जो जॉब है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हो अगर उनका टाई अप है इनके साथ तब भी आपको एक्सक्लूसिव प्लान मिल जाएगा। और मेरे केस में जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ इस बिल्डिंग वालों का टाई अप है इंस्पायर वायरलेस के साथ, तो मुझे भी ये एक्सक्लूसिव डील मिल गई। अब इसमें है क्या, S22 आपको मिला ठीक है जी, और फिर सैमसंग की मिली क्रोमबुक, किस चीज़ पे $0 है मंथ, उल्टा $5 है मंथ वो मुझे दे रहे हैं इस प्लान में एक्चुअली ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कैच होना चाहिए, मतलब ऐसे तो फ्री में नहीं हो सकता राइट। तो हाँ एक सिंपल सा कैच है, वो है ये कि भाई आफ्टर 2 ईयर्स आइदर यू रिटर्न दीज डिवाइसेज और यू पे $380, लेकिन सिंस दे आर पेइंग $5 ए मंथ फॉर टू मी ठीक है जी फॉर कीपिंग दीज डिवाइसेज। अब जो साल की बनती है अबाउट $60 और 2 साल की बनती है $120। अब जो $120 को मैं माइनस करूँ 380 से तो बचते हैं $260। अब $260 आज के आज में एक क्रोमबुक मुझे नहीं चाहिए ठीक है, मेरे पास मैकबुक है तो मैं आज के आज इसे बेचता हूँ जाके तो 260 तो भाई बड़े आराम से कवर हो जाएंगे और मैं उसको देके फ़ोन जो 60-70 हज़ार रुपये का आता है इंडिया में वो फ़ोन मेरे को फ्री में मिल जाएगा, ये मैं कर सकता हूँ। या फिर मैं आफ्टर 2 ईयर्स एक्चुअली में चीज़ें रिटर्न कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ इन्हें आफ्टर 2 साल यूज़ करने के बाद बेचूँ और उसमें भी मुझे प्रोडक्ट्स प्रॉफिट ही देके जाएंगे, क्योंकि मैं जो अपना पहला वाला आईफोन यूज़ करता था 3 साल यूज़ करने के बाद उसकी कॉस्ट आज भी $500 से ज़्यादा ही है। तो उस हिसाब से अगर मैं इस प्रोडक्ट को 2 साल यूज़ करके बेचने जाऊंगा ना मार्केट में तभी मेरे को $600-700 आ ही जाएगा और 260 तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो मैं फ़ोन भी यूज़ कर लूँगा, क्रोमबुक भी यूज़ कर लूँगा और कैश भी कमा लूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ले रहा हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट्स को भेजें इंडिया, घर वाले खुश रहे वो यूज़ करें इसे और आफ्टर 2 ईयर्स मैं $260 पे कर दूंगा, जो कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है स्पेशली कंसिडरिंग कि यार यहाँ पे फ्लैगशिप डिवाइस मिल रहा है हमें ठीक है। तो क्रोमबुक तो काफ़ी ठीक ठाक सी होती है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट सिंस इट्स फ्री प्रोडक्ट्स ठीक है जी। और इससे बढ़िया डील मैंने तो आज तक भाई कनाडा में रहते हुए नहीं देखी, बट हाँ ऐसी डील्स अक्सर आती हैं, आपको बस नज़र टिकाए रखनी होती है, क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से मॉनिटर कर रहा था भाई कब ऐसी जी कोई फ्री वाली आइटम मिले और मैं लेके इंडिया भेज दूँ, और अभी मुझे मौका मिल गया। अब उनके कंपनियों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैं नहीं कह सकता आपको ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क ऑर्गेनाइजेशन और योर लाइक एम्प्लॉयर और योर स्कूल कॉलेज वगैरह, उस पर डिपेंड करता है उनका टाइप है नहीं है, आपको क्या चीज़ मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती। बड़े ऑप्शंस काफ़ी अच्छे कंसिडर करने के लिए, अगर आपको खुद के लिए कोई आइटम चाहिए या फिर इंडिया भेजनी है या फिर छोटे भाई बहन को या किसी को भी देनी है या फिर सिंपली कैश प्रॉफिट कमाना है ठीक है। तो यार बस ये मेरी एक वीडियो थी जिसमें कि मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता था। आज तक मैंने आई डोंट थिंक ऐसी कोई वीडियो बनाई है, बट एक्चुअली में मुझे पहली बार एग्जैक्टली फ्री में चीज़ें मिल गई तो मैं सोचा भी बना के आपके साथ शेयर कर दें। तो बस यार वीडियो कर देते हैं एंड यहीं पे, और अगर आपको अच्छी लगे तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।